हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एटवर क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक कमेंट और आप लोग रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तो एक नंबर क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट अटैम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स वॉज मेड बाई। तो सबसे पहले किसने कोशिश किया था एलिमेंट को अरेंज करने के लिए? ऑप्शन ए मेंडेलीफ, न्यूलैंड ऑप्शन बी, ऑप्शन सी लोथर मेयर, ऑप्शन डी डुबरेनियर। तो बोलिए राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी होगा, डुबरेनियर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल वॉज टेकन बाय। ऑप्शन ए मेंडेलीफ, ऑप्शन बी एवोगैड्रो, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी न्यूलैंड। वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो लिया गया इन द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था मेंडेलीफ ने। इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसके पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड और 8 ग्रुप थे, लेकिन उस टाइम पे कोई इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुआ था। लेकिन जब हुआ था तो इसके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 9 में एक ग्रुप ज़्यादा कर दिया गया, 9 कर दिया गया, और उस 9 ग्रुप में जो है इनर्ट गैस को रखा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन। तो मेंडेलीफ के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट जो अरेंज किया गया किस हिसाब से? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ऑप्शन डी इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई। तो राइट आंसर होगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से जो है पीरियोडिक टेबल जो मेंडेलीफ का है वो अरेंज किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस हिसाब से एलिमेंट को अरेंज किया गया? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई, ऑप्शन डी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से मॉडर्न पीरियड टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, और मेंडेलीफ के पीरियड टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। याद रखिएगा, इसीलिए मेंडेलीफ पीरियड लॉ में जो स्टेटमेंट है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, क्योंकि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से मेंडेलीफ ने अरेंज किया था। और मॉडर्न पीरियड लॉ इसी वजह से इस तरह से स्टेट किया गया है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू दियर एटॉमिक नंबर, क्योंकि मॉडर्न पीरियड टेबल जो है एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंथ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल रिजेंबल विथ द। देखिए, टेंथ एलिमेंट जो है फर्स्ट पीरियड में है, सेकंड पीरियड में होता है, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में। तो टेंथ एलिमेंट जो है सेकंड पीरियड में है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट जो पीरियड है उसमें दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और सेकंड में जो है 8 एलिमेंट है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। मतलब क्या, फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32, सेवन में 32, और वो इनकम्प्लीट भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, तो 2, 8, 18, 18, 32, 32, ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, तो बोला गया है पर द टेंथ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल रिजेंबल्स विद द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो किस पीरियड से है? वेरी गुड, सेकंड। सेकंड पीरियड में जो है, देखिए, दो एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में हो गया और 8 पीरियड है सेकंड पीरियड में, तो 2 और 8 कितना, 10। तो टेंथ एलिमेंट कहाँ पे होगा? सेकंड में होगा, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल को दिखा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट पीरियड जो है ये है हाइड्रोजन, यहाँ पर एक एलिमेंट है, दूसरा है हीलियम, सेकंड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। देखिए, नियोन टेंथ एलिमेंट है। एग्जाम में कभी पूछा जाता है टेंथ एलिमेंट का नाम क्या है, तो क्या होगा? नियोन। 18 अगर पूछा जाए आर्गन, 36 अगर पूछा जाए क्रिप्टन है, ठीक है।
तो अगर पूछा जाए कि मॉडर्न पीरियड टेबल में इनर्ट गैस को कहाँ रखा गया है, तो ग्रुप नंबर 18 में रखा गया है। और ग्रुप नंबर 18 को क्या कहा जाता है, जीरो, क्योंकि उस ग्रुप में यानी ग्रुप नंबर 18 में जितने भी एलिमेंट रखा गया सब के सब इनर्ट है, उनके वैलेंसी क्या है, जीरो है, इसी वजह से उसको क्या कहा जाता है, जीरो ग्रुप। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि मॉडर्न पीरियड टेबल में इनर्ट गैस को कहाँ रखा गया है, तो ग्रुप नंबर 18 में, या फिर कह सकता है जीरो ग्रुप में। ठीक है, तो ये सब जो है इनर्ट गैस है, ओके। और मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया, ग्रुप 9 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पीरियोडिक टेबल गोइंग डाउन इन अल्कली ग्रुप मेटल, बोलता है कि पीरियोडिक टेबल में अगर अल्कली मेटल में नीचे आए तो क्या देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए, आयनिक रेडियस विल इंक्रीज। हाँ, आयनिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर टॉप टू बॉटम आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। तो इसी वजह से आयनिक रेडियस विल इंक्रीज। ऑप्शन बी, आयनिक रेडियस विल डिक्रीज, नहीं, फॉल्स है। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विल इंक्रीज। हाँ, ये भी है, ऑप्शन ए भी होगा, ऑप्शन सी भी होगा, ऑप्शन डी नन। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है जिसमें लिखा हुआ है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी राइट है, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन ही राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप, सेम ग्रुप से कौन जो है एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए, लिथियम सोडियम पोटासियम। हाँ, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लिथियम सोडियम पोटासियम ये ग्रुप 1 से है और सेम ग्रुप से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट विथ कॉन्फिगरेशन 1s² 2s² 2p6 3s1 वुड बी, देखिए ये एलिमेंट जो है क्या होगा। ऑप्शन ए मेटल, ऑप्शन बी नॉन मेटल, ऑप्शन सी मेटलॉइड, ऑप्शन डी इनर्ट गैस। तो देखिए ये जो कॉन्फिगरेशन है ये सोडियम का कॉन्फिगरेशन है। अब एक बार बताइए मुझे कि सोडियम मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है या इनर्ट गैस है। वेरी गुड, सोडियम क्या है, मेटल है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग प्रपोज टू अरेंज एलिमेंट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के हिसाब से किसने जो एलिमेंट को जो है अरेंज करने के लिए प्रपोज किया। ठीक है, ऑप्शन ए मेंडेलीफ, ऑप्शन बी मोस्ले, ऑप्शन डी न्यूलैंड, ऑप्शन डी डुबेरिनियर। तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा हेनरी मोस्ले। अगर मोस्ले ऑप्शन में ना होता तो नील बोहर होता, क्या होता, नील बोहर। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में ये हेनरी मोस्ले और नील बोहर दोनों के जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। किसी बुक में नील बोहर के बारे जिक्र है, किसी बुक में हेनरी मोस्ले के बारे। ठीक है, तो ये दोनों का जो है कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर रेडियाई इज, देखिए रेडियाई के करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम लोग जानते हैं अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे ऊपर क्या है ग्रुप वन में, हाइड्रोजन, फिर लिथियम सोडियम पोटासियम, ये है ना, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबेडियम फिर है ना। तो यहाँ पर क्या दिया, लिथियम सोडियम पोटासियम, यानी कि ये ग्रुप वन के एलिमेंट है। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। लेफ्ट राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगा, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज किसका है, पोटासियम का, क्योंकि ये नीचे है, इसका ज़्यादा होगा। उससे कम सोडियम का और सबसे कम लिथियम का। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, बोलिए फटाफट से। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी होगा, लिथियम का जो एटॉमिक साइज है सोडियम से कम है, सोडियम का एटॉमिक साइज जो है पोटासियम से कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड टिल डेट इज, तो बताइए कितने एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुका है। वेरी गुड, 118, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, तो किस पर बेस्ड है, बोलिए, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। ठीक है, एटॉमिक वेट पे नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीफ के पीरियड टेबल में 7 पीरियड और 8 ग्रुप है, 7 पीरियड 8 ग्रुप, तो कितने पीरियड है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज नॉट बीन डिस्कवर इन मेंडेलीफ टाइम, मेंडेलीफ के टाइम में क्या डिस्कवर नहीं हुआ था, बताइए, इनर्ट गैस। ठीक है, ऑप्शन ए इनर्ट गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेट इज गुड एग्जाम्पल ऑफ डुबेरिनियर ट्राइड्स, तो डुबेरिनियर ट्राइड के कौन से सेट जो गुड एग्जाम्पल है, तो लिथियम सोडियम पोटासियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज
द हाइएस्ट एटोमिक रेडियस, हाइएस्ट एटोमिक रेडियस इनमें से किसका है? तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे आएंगे तो एटोमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पोटासियम है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, ये ग्रुप वन के एलिमेंट है ना। टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटोमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऊपर होता है सबसे ऊपर, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम। तो सबसे ज़्यादा एटोमिक साइज किसका होगा, रुबेडियम ऑप्शन में है, नहीं है तो पोटासियम का होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हु प्रपोज मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो देखिए यहाँ पर क्या है ऑप्शन, बोहर, अगर बोहर ऑप्शन में है तो सही है, अगर बोहर ना हो हंड मोसल है तो भी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 19। देखिए बोलता है एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है, ठीक है। इन द मॉडर्न पीरियड टेबल व्हाट विल बी इट्स पोजीशन, पोजीशन क्या होगा मॉडर्न पीरियड टेबल में। तो इसको इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहला सेल में कितना होगा, दो इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8, फिर अगले वाला सेल में 8, 2, 8, 10, 10 और 8, 18, और लास्ट सेल में कितना होगा, 1। तो पोजीशन क्या हुआ, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। तो बताइए क्या होगा, फोर्थ पीरियड होगा, क्यों, कितने नंबर ऑफ सेल बनाया पर, 4, जितना सेल बनेगा उतना पीरियड होगा, और लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसका मतलब ग्रुप 1 होगा, ठीक है। अगर 2 होता तो ग्रुप 2 होता, अगर 2 से ज़्यादा है, मान लीजिए 4 है, 3 है, तो उसमें 10 प्लस करना है, जैसे मान लीजिए लास्ट सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, 4 होने से इसमें 10 प्लस करना होगा, 10 प्लस करने से कितना होगा, 14, ग्रुप नंबर 14 होगा। जितना सेल होगा उतना पीरियड होगा, लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उतने ग्रुप होगा, अगर 1 और 2 है तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा, अगर मान लेते 4 है तो ग्रुप 14, 5 है तो ग्रुप 15, 6 है तो ग्रुप 16। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू लोकेट द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 17। देखिए एटॉमिक नंबर 17 है, इसको कहाँ पर आप रखेंगे, तो मैंने अभी जैसे बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर मैंने बताया, तो 17 है तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा सेल में 8, 10 हो गया 10, तीसरा सेल में 7, तो कितना सेल मिला, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल जो है यहाँ पर 3 है, तो पीरियड नंबर 3 होगा, लेकिन यहाँ पर ग्रुप के बात किया गया है, बात ऑप्शन है ग्रुप 7, यानी ग्रुप 7, ग्रुप 1, ग्रुप 7 फिर से कर दिया है, यहाँ पर ग्रुप 17 होना चाहिए, ये ग्रुप 18 होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल कितना बना, 3, तो इसका मतलब पीरियड क्या होगा, पीरियड, पीरियड 3 होगा, ठीक है, पीरियड क्या होगा, 3 होगा। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, तो इसमें 10 प्लस करना होगा, अगर 10 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 17, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 17, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट होगा, ग्रुप नंबर 17। ओके तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 11, ये किस पीरियड में और किस ग्रुप में लाइक करेगा मॉडर्न पीरियड टेबल में, ये आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके आपका आंसर का इंतजार है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली। तो इनमें से कौन जो है इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस करेगा, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन होगा, ग्रुप के जो नीचे होगा, तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, पोटासियम ग्रुप के नीचे होता है, इसलिए ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द हाइएस्ट एटोमिक रेडियस। इनमें से किसका सबसे ज्यादा एटोमिक रेडियस है, तो एटोमिक रेडियस जो ग्रुप में, ग्रुप के नीचे होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो एटोमिक रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हाइएस्ट एटोमिक रेडियस पूछा गया, तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन द लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल। तो बताइए लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल 2018 में पूछा गया, पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, तो ग्रुप क्या होगा, 18, ग्रुप क्या होगा, 18 ग्रुप होगा, ठीक है, पीरियड के हिसाब से 7 पीरियड है, 18 ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ग्रुप ऑफ द लॉन्ग पीरियडिक टेबल डू द हेलोजन एलिमेंट्स बिलोंग। तो हेलोजन एलिमेंट्स किस ग्रुप से लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल में बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 17। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, रेडियोएक्टिविटी, रेडियोएक्टिविटी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फोर्थ पीरियड ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल। लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल में फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, तो वही लॉजिक लगाइए, 2, 8, 18, 18, 32, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, तो फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड में
आठ थर्ड पीरियड में, आठ फोर्थ पीरियड में, अठारह। तो फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? अठारह। ओके, फिफ्थ पूछने से अठारह, सिक्स पूछने से 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस मेंडलिप अरेंज द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो पीरियड उनके उसके पीरियड टेबल में मेंडल जो है किस हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया है? इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट कीजिए, ये आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिस क्या है? एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन लुक्स अलाइक। तो देखिए, ग्रुप वन अल्कली मेटल और ग्रुप 17 हेलोजन, ये दोनों से जो है हाइड्रोजन जो है क्या करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी मिलती है। ग्रुप वन के, ग्रुप वन ए के जो अल्कली मेटल है, यानी ग्रुप वन और ग्रुप 17 दोनों के साथ क्या क्या हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो है, कैरेक्टरिस्टिक जो है, मैच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 2, 8, 10, 10 और 11। तो आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक होंगे, कितने? एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द इनर्ट गैस हैज बीन प्लेस इन ग्रुप 0 और ग्रुप 18। इनर्ट गैस को 0 ग्रुप या ग्रुप 18 में क्यों रखा गया? क्योंकि उस इनर्ट गैस के लास्ट सेल में जो है इलेक्ट्रॉन जो है मुकम्मल होते हैं, इसी यानी ऑक्टेट पूरा होता है या ड्यूप्लेट पूरा होता है, इसी वजह से उसको कहाँ पर रखा गया है? ग्रुप नंबर 18 में, यानी कि 0 ग्रुप में रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल में कितने ग्रुप और कितने पीरियड है? तो 7 पीरियड, 8 ग्रुप, 18 ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर ऑर्बिट, लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, फ्रॉम विच ग्रुप द एलिमेंट बिलोंग्स टू। तो किस ग्रुप से होंगे? ग्रुप नंबर 13 होंगे, ठीक है। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। एन एलिमेंट हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर ऑर्बिट, तो 3 है, तो मैंने क्या बोला कि 10 प्लस का लेना है। 10 प्लस 3 कितना हुआ? 13, ग्रुप नंबर 13 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस ग्रुप के एलिमेंट के है? ग्रुप नंबर 17 के। और कौन से एलिमेंट के है? वह है फ्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप विच पीरियडिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। अगर ग्रुप के नीचे आएंगे तो कौन से पीरियडिक प्रॉपर्टी क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये डिक्रीज होंगे अगर ऊपर से नीचे आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन से प्रॉपर्टी इंक्रीज होंगे, कौन से डिक्रीज होंगे। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होंगे कौन से प्रॉपर्टी, टॉप टू बॉटम आएंगे तो कौन से प्रॉपर्टी डिक्रीज होंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।